CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सपा के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर बृहस्पतिवार को इकट्ठा हुए। काफी समय के बाद जोश और उत्साह से भरे कार्यकर्ता पूर्व विधायक विजय पासवान और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चिंकू यादव की अगुवाई में जुलूस की शक्ल में सड़कों पर उतरे। सैकड़ों की संख्या में हाथों में CAA और NRC विरोधी बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए और सड़क पर धरने पर बैठ गए। इनके प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार में बस से अस्थाई जेल ले गई। सरकार के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थनगर त्रस्त आके प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम ऐसे कानून ला रहे हैं जो भाईचारा में हम हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं उसको बंटवारा करने का काम कर रही है ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी साथी। और जिले के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनको जितना लाठी चलाना है, गोली चलाना है, जेल भेजना हम लोग तैयार हैं। पुलिस प्रशासन जबरदस्ती कर रही है और धमकी दे रही है। सुबह से कई जगह तमाम पुलिस वाले जाके घेराबंदी कर लिए हैं, नोटिस दे दिया कि धरना प्रदर्शन करोगे तो जेल भेज देंगे। और अभी भी बदतमीजी कर रही है, लाठी चार्ज करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे भी दिख रहे हैं, वो भी अभी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। उनको उनके घर पे CEO और तमाम पुलिस प्रशासन लोग उनको घर से निकलने नहीं दिया, अभी वो भी प्रयास करके पहुँच रहे हैं।